दोस्तों आजकल बहुत आसान हो गया है, घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ऑनलाइन खाना मंगा लिया, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, रिक्शा ऑटो इन सब का भाड़ा भी बचता है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र आजकल हर चीज़ ही ऑनलाइन बेची जा रही है। ऐसी कई साइट्स हैं जो आपको प्लेटफॉर्म देती हैं अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे करने के लिए, अपनी चीज़ों को ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि आप ऑनलाइन उन सब चीज़ों को बेच सकें। और जब आप घर से भी कोई छोटा सा बिज़नेस शुरू करते हैं, आप उस चीज़ को ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म देते हैं, तो हो सकता है कि कुछ सालों में आपका बिज़नेस जो है बहुत अच्छा ग्रो कर जाए और फिर आपको किसी शॉप की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि मैं आपको अपनी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने ऐसे ही घर से ही व्हाट्सएप के ज़रिए जो है अपना कपड़ों का बिज़नेस शुरू किया था और एक साल के अंदर उसका ऐसा बिज़नेस ये चल पड़ा कि उसने अच्छा खासा अपना बुटीक खोल लिया और आज उसकी आमदनी बहुत अच्छी है। इतना इसने इन्वेस्ट नहीं किया जितनी उसकी आज आमदनी है। तो आप ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्लाउड किचन के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि एक ऑनलाइन बिज़नेस के तरह से आप ले सकते हैं। ये क्लाउड किचन क्या है, आप कैसे क्लाउड किचन बिज़नेस के बारे में सोच सकते हैं, तमाम पहलू इसके बारे में बताऊँगी। और हाँ, ये भी बताऊँगी कि आप इस बिज़नेस के ज़रिए कितना इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं और आप कितनी कमाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं बिजनेस को लेकर, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्लाउड किचन ही क्यों, पिछले कुछ सालों में ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि बड़े रेस्टोरेंट खोलने में जो पैसा इन्वेस्ट होता था अब उतने नहीं होते। यहाँ केवल खाना बनता है और पैक होकर डिलीवर हो जाता है, जिससे ज्यादा एम्प्लॉय और साफ सफाई में भी कम मेहनत लगती है। ऐसे बहुत से ऐप हैं जो रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबा और भोजनालय से संपर्क कर पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिससे लोगों को अलग अलग शेफ द्वारा बनाए गए खाने का स्वाद मिल रहा है, वो भी घर बैठे। क्या है क्लाउड किचन बिजनेस? ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रेस्टोरेंट और दुकान के बिना ही ग्राहक तक फूड डिलीवर हो जाता है। पिछले कुछ समय में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली है और ये $15 बिलियन का मार्केट है। इसका एक सबसे बड़ा कारण इसके सफल होने का ये है कि फूड डिलीवरी अब फास्ट हो चुकी है। ऑर्डर करने के तुरंत बाद या आधे घंटे के भीतर डिलीवरी हो रही है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। कैसे शुरू करें बिजनेस? सबसे पहले आपको एक ऐप बिल्ड करना होगा जहां से कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेगा और आप उसे सर्विस दे सकेंगे। इसमें ऑर्डर, कस्टमर की फीडबैक, बिलिंग और अन्य चीजें शामिल हैं। कस्टमर और आपके बीच एक दूसरे को जोड़ने का काम ये ऐप ही करेगा। जगह का चुनाव आवश्यक है क्योंकि फूड के मामले में ग्राहक फास्ट सर्विस की अपेक्षा रखता है ताकि वो गर्मा गर्म खाने का स्वाद ले सके। इसके लिए आप शहर के बीच में जगह ले सकते हैं या कुछ क्षेत्र चुन सकते हैं जहां सबसे जल्दी डिलीवरी कर पाए। इस बिजनेस को कम पैसे में भी चालू कर सकते हैं। इसके लिए पूरे सेटअप पर ध्यान देना होगा, यानी फूड से रिलेटेड बर्तन, इक्विपमेंट, राशन, किचन के लिए जगह, फ्रीजर, बर्नर और अन्य में इन्वेस्ट करना होगा। ज्यादा बजट ना होने की स्थिति में किराए पर भी उपकरण लेके अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। व्यय चाहे कम हो या ज्यादा, अगर सर्विस अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़ सकेंगे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक ही ऐप पर फोकस नहीं हो सकते, कुछ अलग प्लेटफॉर्म भी साथ में देखने होंगे या फिर आप खुद ही अपने व्यवसाय के लिए ऐप या वेबसाइट बना सकते हैं। खुद का ऐप या वेबसाइट होने की स्थिति में आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिलेंगे और बीच का कमीशन भी बचेगा, प्रॉफिट भी दुगना हो जाएगा। क्या लाइसेंस भी लेना होगा? ऑनलाइन किचन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, FSSAI का लाइसेंस, नगर निगम लाइसेंस, गुमास्ता तथा अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसके लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें। इन सब के रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम ₹10,000 तक लागत लग सकती है। किन बातों का रखें ध्यान? जगह लेने में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, पहले ही निश्चय कर लें कि घर से काम करना है या बाहर जगह लेकर। बाहर लेने की स्थिति में छोटा सा स्पेस लें जहां से आप अपना काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि ग्राहक को आपके पास आना नहीं है। रेस्टोरेंट के बारे में पूरी जानकारी दें, होम डिलीवरी का ऑप्शन देना ना भूलें, मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन दें ताकि ग्राहक को पेमेंट करने में कोई दिक्कत ना आए। फूड की अच्छाई क्लास फोटो और साथ में इसका पूरा विवरण दें। कौन सा समय सही है इसे शुरू करने का? आमतौर पर बिजनेस शुरू करने का कोई समय नहीं होता, बिजनेस आप कभी भी चालू कर सकते हैं। जरूरी होता है कि आपने उस पर कितना समय दिया और कैसे दिया। वर्तमान समय में कोरोना महामारी की वजह से कई बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, वहीं ठेले ना लगने से चटर पटर वाली चीजें भी बाजार में नहीं मिल रही, तो अभी सही समय है आपके क्लाउड किचन बिजनेस का। मार्केटिंग कैसे करें?
अब जब पूरा सेटअप बैठ चुका है और आप ऑर्डर लेने और डिलीवरी करने के लिए तैयार हैं, तो अब बात आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग क्यों? मार्केटिंग इसलिए ताकि आप अपने प्रतिद्वंदियों को टक्कर दे सकें, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें। लोग जितना ज्यादा आपके बारे में जानेंगे, उतना ही आपका काम आसान होगा और उतने ज्यादा कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। क्लाउड किचन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मार्केटिंग भी ऑनलाइन करिए। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट रख सकते हैं या फिर किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से यूजर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ग्राहक आपसे जुड़े उसके लिए ऑफर प्रमोट कर सकते हैं, ग्राहक की क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, और भी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से आप ऑनलाइन मार्केटिंग द्वारा ग्राहक बना सकते हैं। क्लाउड किचन के फायदे और नुकसान। फायदे: कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट, शौक को बिजनेस बना सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बहुत अच्छा है। नुकसान: रेस्टोरेंट होटल में लगने वाली भीड़ कम हो रही है, जिससे उनके बिजनेस पर असर हो रहा है। बिजनेस कम होने की वजह से मेंटेनेंस का खर्चा नहीं निकल रहा, खाना वेस्ट हो रहा है, वेटर्स की जॉब खत्म हो रही है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।